जी, so, नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं मैंवाल और आज के इस एपिसोड के अंदर एक सडन प्लान किया है मैंने इस आज के इस सेशन को और इस सेशन के अंदर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है ध्यान <coughs> से सुनिएगा आप इस सेशन को जब भी देखें लाइव देखें बाद में रिकॉर्डेड देखें छोटा सा सेशन है लेकिन एक जरूरी एस्पेक्ट आपके बीच में मुझे डिस्कस है जो करना है देखो क्या होता है कि हमारी सोसाइटी हमारी सोसाइटी बोले तो मैं बात कर रहा हूं लॉ वालों की सोसाइटी जो लीगल सेगमेंट होता है उसके बारे में बातचीत अपन कर रहे हैं तो क्या होता है कि लीगल सेगमेंट यानी कि अपना कोर्ट प्रस ध्यान से सुनिएगा बहुत ही स्पेसिफिक बातचीत आपके बीच में करने वाला हूं तो हमारा जो ये कोर्ट प्रिमाइसिस होता है उस कोर्ट प्रिमैसेज में दो तरीके के मैटर आते हैं एक मैटर जो प्रॉपर्टी के राइट्स प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं उनको हम सिविल मैटर कहते हैं और एक मैटर जो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं जो ऑफेंस के सेगमेंट से होता है उनको हम क्रिमिनल मैटर है जो कहते हैं क्रिमिनल मैटर में एफ दर्ज होती है और कई बार कोर्ट के अंदर कंप्लेन भी है जो लॉन्च की जाती है तो ये जो आपके क्रिमिनल मैटर देखो सिविल मैटर को साइड में रख लो सिविल मैटर के अंदर इस बंदे का जिसका नाम एपीओ है कोई रोल नहीं है इसका रोल कहां पे होता है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में ही होता है तो एपीओ यानी कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एक सबोर्डिनेट पोस्ट जिसको अपन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो आपका सेगमेंट है यानी कि जो आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग है जो होती है तो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर दो सेगमेंट हो गए एक सेगमेंट जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिविल मैटर बोलते हैं तो सिविल मैटर एक सेगमेंट हो गया और वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ आपके वहीं दूसरी तरफ आपके कौन सा हो गया तो एक हो गया हमारे पास में सिविल मैटर और दूसरा होता है जहां पर ऑफेंस यानी कि अपराध से रिलेटेड बात की जाती है वो होता है आपके क्रिमिनल मैटर तो क्रिमिनल मैटर के अंदर भी दो चीजें होती है उसको भी आप नोट कर लीजिए एक होता है जब मामले के अंदर आप पुलिस को इन्वॉल्व करते हो क्या करते हो पुलिस को इन्वॉल्व करते हो आप किसी चीज का एफ आई लॉन्च करते हो पुलिस को पुलिस उस मैटर में करती है इन्वेस्टिगेशन उसके बाद करती है चार्जशीट फाइल और चार्जशीट फाइल होने के बाद में फिर पिक्चर में आता है आपका जुडिशरी और साथ ही साथ में प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर में आता है हमारा एपीपी और अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट है तो पीपी ठीक -पी। है तो क्रिमिनल मैटर के अंदर भी एफआईआर का मामला होता है और दूसरा होता है कंप्लेन का मामला एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कंप्लेन के मैटर होते हैं अटेंशन सुनिएगा ये जो कंप्लेन के मैटर होते हैं ये बेसिकली एक एंगल से सिविल की तरह डील है जो कई बार किए जाते हैं सिविल की तरह डील है जो किए जाते हैं सबसे बड़ा अंतर यही है है देखो आपको पता कंप्लेंट इस वर्ड में प्लांट शामिल है आपने शायद नोटिस किया होगा कि ये जो वर्ड है कंप्लेन तो इसमें कम के बाद दूसरा वर्ड क्या होता है प्लांट और ये प्लैंट वही शब्द है जो सिविल के अंदर इस्तेमाल है जो होता है यानी कि पार्टी क्या करती है प्रॉपर तरीके से एक प्लांट है जो फाइल करती जिसमें सारा डेटाबेस किसका ऑफेंस के नेचर का वगैरह मेंशन है जो किया जाता है ठीक है तो कहीं कहीं कंप्लेन की प्रोसीडिंग आपके प्लांट से यानी कि सिविल प्रोसीडिंग से मैच करती है और इसको मैच करने का एक एंगल यह भी है कि कंप्लेन केसेस में एक्टिव रोल नहीं रहता है एपीपी का तो एपीपी का जो एक्टिव रोल है वो क्रिमिनल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर के अंदर भी जो के मैटर्स होते हैं सिर्फ इनमें जनरली रहता है आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा देखो जब क्या होती है प्रॉब्लम जनरल होती है ना तो उसको सॉल्व करना मुश्किल काम है जो होता है लेकिन वहीं पर अगर आप उस प्रॉब्लम को थोड़ा स्पेसिफिक नजरिए से देखोगे तो उसको समझना उसको ऑब्जर्व करना उसको अप्लाई करना आसान है जो हो जाता है तो क्रिमिनल मैटर में जहां पे एफआईआर के केसेस ज्यादा रहते हैं वहीं पर एक्टिव रोल प्ले करता है कौन एपीपी कह दो एपीओ कह दो या आप उसको अन्य भाषा में एडीए जो भी कहें हमारे मन में कई तरह के सवाल है एक तो यह कि 2015 के बाद में बिल्कुल ध्यान से सुनना राजस्थान के अंदर 2015 के बाद में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का वैकेंसी आया है दो के अंदर वन एटी वन पोस्ट वगैरह इसके एग्जाम होने की संभावना जून महीने का एंड जून महीने के एंड में संभावना है कि इसका एग्जाम है जो कंडक्ट हो जाएगा और पुराने जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है ये बात तय है कि कहीं ना कहीं जब आप एपीओ के रूप में सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको न्यू लॉज का ऑरियंटेशन देखना पड़ेगा लेकिन हाल फिलहाल तो जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो पुराने कानून के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं ठीक तो ऐसे टाइम में ये बहुत अच्छा मौका भी है अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको पता है जनरली कई बार क्या होता है दो साल का तीन साल का ऐसा एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया जाता है लेकिन एज सच यहां पे ऐसा कुछ नहीं है राजस्थान के अंदर एपीओ बनने के लिए आपके पास अगर लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है दैट सफिशियंट और किसी चीज की कोई आवश्यकता है जो नहीं है कैंडिडेट्स के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि सर ये जो ए एग्जामिनेशन है जिसमें मेंस के जिसमें मेंस को हटा दिया गया है नहीं मेंस को नहीं हटा दिया गया इंटरव्यू को हटा दिया गया थोड़ा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा पेलिम्स और मेंस दो एग्जाम होंगे इंटरव्यू अब नहीं होने वाला तो थोड़ी बहुत जो संभावना होती है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है बायसनेस हो सकती है इंटरव्यू के अंदर सेलेक्शन को लेकर तो वो खत्म हो चुकी है मतलब ना के बराबर यानी कि प्योरली टैलेंट पर आधारित आपका ये एग्जाम है जो होगा अब ये जो एग्जाम है जिसमें आपको पिलिम्स यानी कि एमसीक्यू बेस्ड चीजों को सॉल्व करना है मेंस जिसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर को अटेंड है जो करना है तो ऐसे केस में ऐसे केस के अंदर आपकी तैयारी का एंगल कैसा होना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो कुछ गलत नहीं है सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट्स भी बड़े से बड़े तीर मारते हैं कोई ऐसी बात नहीं कि सेल्फ स्टडी वाला कैंडिडेट जो है एग्जाम एग्जाम क्रैक कर नहीं सकता प्रॉब्लम पता है कहां आती है प्रॉब्लम वहां पे आती है कि वो बंदा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है ना वो खुद अपनी रेगुलरिटी की बैंड बजा देता है रेगुलरिटी समझते हो नियमितता किसी भी चीज को हासिल करने के लिए एक हमें रेगुलर तरीके से एफर्ट करने पड़ते हैं प्रयास करने पड़ते हैं सेल्फ स्टडी करने पर कई बार क्या होता है जैसे घर वाले जो है ना अपने टाइम की कदर नहीं करते हैं। उनको लगता है क्या है खुद ही तो पढ़ाई कर रहा है शाम को कर लेना सुबह कर लेना अभी चलो एक कोर्ट का मैटर देख के आ जा कई बार आपके सीनियर्स आपको बुला लेता है क्या कर रहे हो भाई कैसा पढ़ाई कर रहा था अच्छा सेल्फ स्टडी तो कर रहे हो शाम को कर लेना वगैरह मतलब हम चाह कर भी बंद नहीं पाते मेरी मेरे वर्ड को ऑब्जर्व कीजिएगा हम चाहकर भी खुद को बांध नहीं पाते अपनी पढ़ाई के करिकुलम में सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं हाँ या ना बताओ मुझे आप इस बात से एग्री करोगे कहीं कहीं जो है हम खुद को क्या नहीं कर पाते बांध नहीं पाते ऑब्लाइज नहीं कर पाते बाउंड नहीं कर पाते इसके अलावा बाकी सेल्फ स्टडी में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो नहीं है एक चीज जरूर है वर्तमान समय का जो कंपटीशन का लेवल है देखो क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर किसी एग्जाम के अंदर लोकल बैरियर नहीं है तो वो एग्जाम जो है अपने आप में स्टेट लेवल का नहीं वो एग्जाम नेशनल लेवल का राजस्थान एपीओ भी जो है वो एक तरीके से नेशनल लेवल का एग्जाम है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कंपटीशन के अंदर बाहर के लोग हैं ऑबी बात है और जो नॉन राजस्थानी लोग हैं वो भी आएंगे ऐसे कैंडिडेट्स भी आएंगे जो एनएलयू से पास आउट है जिनका थोड़ा लॉ पांच साल के अंदर अच्छा इंटीग्रेटेड जो रखा है ऐसे लोग भी आएंगे जो दो तीन साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे प्रिपरेशन कर रहे थे ऐसे टाइम में आपको अगर टक्कर देनी है इन कैंडिडेट्स को तो फिर एक मजबूत प्रिपरेशन चाहिए मजबूत प्रिपरेशन ड्यूटी बाउंड प्रिपरेशन थोड़ा स्मार्ट तरीका मेडिटेशन वगैरह वो जो चाहिए होता है तो उसके लिए मेरा एक सजेशन जो रहता है कि अगर आपको लगता है अप्रोप्रिएट तो जहां आपको ठीक लगे आपको क्या करना चाहिए गाइडेंस ले लेना चाहिए देखो पश्चाताप करने से बेहतर है कि थोड़ा तप कर लिया जाए है ना बाद में आपके हाथ में कोई आज 2015 के बाद तो वैकेंसी है ये 2023 के अंदर 2024 के अंदर अब वापस नेक्स्ट टाइम मामला कब बनेगा हमें नहीं पता ना आपको पता है और ना ही आर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को पता है इसलिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि दिस इज द राइट टाइम प्रॉपर गाइडेंस ले लो चीज़ों को ऑब्जर्व कर लो ओके okay? और जहां मन करे वहां पे करो एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया है मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा प्रयास ये है कि जो कैंडिडेट किसी कारण से मनी की प्रॉब्लम से चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश उनके लिए एक ट्रबल सम सेगमेंट है जो रह रहा है तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक छोटा सा प्रयास समर्पित है और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे कोई कॉस्ट भी कवर नहीं होने वाली है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर ये मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ फिर भी कुछ एजुकेटर्स जो मुझे लगा अप्रोप्रिएट हैं उनकी टीम के साथ मिलकर उनकी टीम के साथ मिलकर एक सेगमेंट कल से यानी कि 15 मार्च से मैं स्टार्ट करने वाला और वो सेगमेंट है जो क्या रहेगा उस सेगमेंट के तहत मेरे साथ रहेंगे आशुतोष सर जो क्रिमिनल माइनर लॉ का एक सेगमेंट डील करेंगे हमारे रमेश सर जो आपकी स्पेसिफिकली इंग्लिश का जो सेगमेंट है उसको डील करेंगे शुक्ला सर जो आपके हिंदी के सेगमेंट को एक्सक्लूसिवली डील करेंगे और साथ ही साथ आपके कई सारे कुछ छोटे कानून और प्रैक्टिस सेशन टेस्ट सीरीज वगैरह को डील करने के लिए हमारे साथ रहेंगे हर्षा तो ये हम पांच पांडवों की जो टीम है वो आपके बीच में कल से ड्यूटी पे लगने वाली है पंद्रह मार्च से सबसे पहले शुरुआत मैं ही करने वाला हूं मैं आप लोगों का कल एक और सेशन भी लूंगा इस बारे में ये सेशन अन एकेडमी के प्लस क्लास में है आपको बता देना चाहता हूं और शायद ये बताते हुए मुझे खुशी भी महसूस हो रही है कि एक ऐसा बैच में लेकर आ पाया हूं जिसको मैंने कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट पे रखा है कैसे एक्चुअल में ये जो आपका राजस्थान एपीओ का करिकुलम है ना मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा उसके अलावा और भी कई सारी चीजें ये देखो तो ये ना मैं मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ का एनालिसिस भी तैयार किया आपके जो राजस्थान एपीओ है शायद मेरे पास में ये तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का पेपराथन बुकलेट है ऐसा कैसा बुकलेट मैंने राजस्थान एपीओ के लिए भी बनाया है मैं टीम बोलता हूं कि मेरे पास पढ़ा है ये राजस्थान एपीओ का बुकलेट है और मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर स्पेसिफिकली मैंने कट ऑफ एनालिसिस वगैरह मेंशन किया ताकि आप लोग अपनी अकॉर्डिंगली जो प्रिपरेशन है उसको ध्यान में रख सको तो यहां पर आपके टोटल 2011 और साथ ही साथ में 2015 टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों सेगमेंट को यहां पर क्या कर दिया गया है अपन ने ऐड ऑन है जो कर दिया है सिलेबस तो है ही साथ ही साथ में जो ये आपके लोकल माइनर लॉज है ना मैं आपको बताना चाहता हूं, हूं। पर्सनली बकायदा जिस तरीके से मैं रेगुलर कोर्स में पढ़ाता हूं ना वैसे के वैसे इन टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा कैंडिडेट्स के पास बेरक की प्रॉब्लम रहती है खासकर जो राजस्थान से बाहर के उनके पास बेरक नहीं रहते इसलिए मैंने इस नए वाले प्रयास के तहत इसी के पीछे डिग्लॉट में इसी के पीछे डिग्लॉट में ये जो माइनर लॉ है उनके बेरैक्ट है जो आपको मेंशन करवा दिए आप क्या कर सकते हैं न केवल जितने भी पुराने एग्जाम हो रखे हैं उनका ऑब्जर्वेशन इसमें देख पाएंगे साथ ही साथ में आप जो पुराने जो नए वाले बेरेक्ट हैं वो भी आपके सामने यहां पर है तो आपको ज्यादा एफर्ट है जो नहीं करना रहेगा और आपके लिए एक तरीके से यूजफुल है जो सेगमेंट वो रह पाएगा ओके जी एक प्रयास है तो इसके अंदर मैंने ये एक सेगमेंट दिया ये क्या है राजस्थान एपीओ का दो हजार का एनालिसिस है कि किस तरीके से इसमें कट ऑफ का क्राइटेरिया आता वगैरह तो पेपर्स के साथ में ये चीज आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगी ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम है जो कर सके है ना क्या कर सके स्ट्रेटजी को फ्रेम है जो अच्छे से कर सके इसी के साथ इसके कट ऑफ वाले क्राइटेरिया वगैरह ये सब है ना ये सब इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा देखो ये मेन कानून है इनमें से कई सारे कानून हट चुके हैं जैसे अब आपको ये असेंशियल कमोडिटी वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत है जो नहीं है ना तो अब जो मोटा मोटी जैसे आम सेक्ट अब आप देखो आम सेक्ट कहने को छोटा है लेकिन ऑन एन एवरेज चार सवाल आपके आम सेक्ट में आते ही आते हैं राजस्थान एक्साइज एक्ट इसके अंदर भी ऑन एन एवरेज चार सवाल आते भी आते हैं और कंपटीशन की दुनिया में एक एक सवाल का अपने आप में एक रोल है जो रहता है इसलिए मेरी जो पूरी टीम है वो क्या करेगी कि पैशनेटली आपके लिए सेगमेंट डील करने वाली है और अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इससे जुड़ने का प्लानिंग करना चाहें देखो यार ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि हर उस कैंडिडेट को सिर्फ एक बेनिफिट मिल सके ये सिर्फ एक प्रयास है इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा कोई अर्निंग वाला सेगमेंट नहीं होने वाला क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि इस तरीके से ऑनलाइन के अंदर मॉक टेस्ट मिलाकर मॉक टेस्ट मिला के सारे सेगमेंट को फोर फाइव टू थाउजेंड होता है उसमें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मैं आपको बता देता हूं यहां पर किस तरीके से चीज हो सकती है जैसे <coughs> मान लो कि यहां पर मैंने अपनी आईडी पे गया मैं और ये है बैचेस एंड कोर्सेस इसके अंदर जो अपकमिंग सेगमेंट है वहां पे आ जाता हूं मैं तो अपकमिंग के अंदर ये देखिए ये आपके स्टार्ट होने वाला है राजस्थान एपीओ लिंकिंग बैच सपोज करो मैंने यहां पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया यहां पे मैंने क्लिक किया और इसमें आपके सामने ये ऑप्शन है जो आ रहा है तो यहां पर ये इस प्रोविजन के अंदर गए और ये आप देखिए आई थिंक इसके अंदर मेंशन नहीं है आपको अलग से ही इसमें डील करना पड़ेगा क्योंकि ये रेगुलर बैचेस है ये क्या है ये रेगुलर बैचेज इसमें आपको एपीओ का शायद सेगमेंट नहीं मिल पाएगा मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं दूसरा तरीका ये है कि यहां पर गए अपन यूट्यूब में गए और यूट्यूब के अंदर जो आपका भी सेशन चल रहा है ना इसी सेशन के इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी सेशन के अंदर ये देखिए ये आपको दिख रहा है एनरोल फॉर द बैच अब जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया अब ये ऑप्शन पे क्लिक करते ही यही विंडो आ रहा है लेकिन इस विंडो के अंदर वो जो नया वाला सेगमेंट है वो मेंशन क्यों नहीं हो रहा है मैं पता कराता हूं टीम ध्यान दीजिए यहां पर ये जो विंडो है इसके अंदर ये ऑप्शन आपके सामने ओपन क्यों नहीं हो रहा है पर आप देखिए वर्कआउट कीजिए राजस्थान मैच ये मैं इसको ठीक करवा दूंगा ये जो आपके पास में सेगमेंट आएगा इसका जो प्राइसिंग बैठेगा वो आपके फोर नाइन 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 बैठेगा यानी कि कितना आएगा आपके एक तरीके से फोर फोर नाइन 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 इन शॉर्ट कहूं तो फाइव थाउजेंड जो है आप रहेगा इसमें क्या क्या है वो जरा सुन लीजिए फिर मैं आपको उन टीम से भी मिला देता हूं अब समझिए पहले आपके क्या होगा मेजर लॉस देखो दो महीने में नहीं हो सकते तो मैंने क्या किया है और वैसे भी अब जो लाइव पढ़ा रहा हूं मैं नए वाले कानून पढ़ा रहा हूं ये संजोग था यह संजोग दिए तो ऐसे केस के अंदर ऐसे केस के अंदर आपके आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस जो मैंने खुद ने रेगुलर में पढ़ा रखे उन सब का रिकॉर्डेड वर्जन इस बैच में इंक्लूड है इस बैच में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का कंप्लीट जो तकरीबन 200 से 250 घंटे की क्लास है वो एज एजी अंदर आ जाएगा नंबर वन साथ ही साथ में लाइव क्लास सारे माइनर लॉस जितने भी एड हो रखे हैं सारे लोकल लॉस जितने भी एड हो रखे हैं सिंधी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस वो सब कुछ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा है ना किसके अंदर आपके इस वाले पार्ट के अंदर तो अप्रोक्सली साढ़े तीन सौ से चार सौ घंटे का कंप्लीटली करिकुलम जिसमें मैंने तीन मॉक टेस्ट और एड करवा दिए ये मॉक टेस्ट आपके एपीओ के पैटर्न पर ही बेस्ट हो रहे अब आइए जानते हैं कि हमारे बीच में जो हमारे जुड़ने वाले हैं उनका क्या कहना देखो, का बहुत ये आपके के का है exercise, justice, class, तो आइए देखते हैं कि मेरे साथ जो फैकल्टी आपके इस बैच में रहेंगे वो किस तरीके की चीजों को डील है जो करने वाले हैं ओके जी सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट करेंगे अमृता सिंह जी ऑफलाइन क्लास आपके जोधपुर सेंटर पे रहेगा और वो जल्दी ही यानी कि प्रोबेबली हो सकता है अगले महीने से ही इसको प्लानिंग करूं और उसके बीच में एक इंटरेस्टिंग बात और है जो आपको जाननी है और समझनी है और साथ ही साथ में अप्लाई है जो करनी है अब यहां पर दो वीडियोस हैं सुन लीजिए दो वीडियो हैं जो आपको देखना है मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरा उन वीडियो को प्ले करिए कि हमारे आशुतोष सर आशुतोष सर आपको इस करिकुलम के अंदर क्या क्या चीजें डील करने वाले हैं क्या उनका स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है जो रहने वाला है तैयार हो चलिए तो अभी स्क्रीन पर आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आशुतोष सर जो है ना बड़े ही एकदम काम तरीके से चीजों को चीज रख ले आशा करता हूं आप सभी की एग्जाम yes. प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी पंद्रह मार्च से राजस्थान एपीओ के लिए एक बहुत शानदार बैच आने वाला है तनसुख सर और उनकी टीम के द्वारा ये पूरे बैच को डिजाइन किया गया है और इस बैच में मेरे द्वारा आपको जो विनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ एक्ट 2015 साथ ही साथ प्रोबेशन ऑफ़ एक्ट 1958 इन दोनों को कराया जाएगा अब एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत यह होती है कि कितना पढ़ें जो पर्याप्त हो कितना पढ़ें वो पर्याप्त नहीं होता है कैसे पढ़ें वो पर्याप्त होता है जो चीज आप पढ़ते हो उसको किस थ्योरी के साथ में अडॉप्ट कर रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एग्जाम एक क्वालिफाई करने के लिए तो तनसुख सर एंड टीम के द्वारा इस पूरे कोर्स में आपको थ्योरी के वो नोट्स दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेंगे ये पूरा कोर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा इसके कंटेंट और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा दैट मीन्स ये पूरा कोर्स इंग्लिश में रहेगा तो इस पूरे बैच में आप ही आज ही इनरोल कर सकते हैं और ये बैच पंद्रह तारीख से शुरू हो जाएगा सिर्फ दो महीने के इस बैच में आपको राजस्थान एपीओ के मेजर माइनर लॉ के साथ ही साथ वो सेक्शन जो जीके जीएस के रहते हैं लैंग्वेज पेपर के रहते हैं वो भी क्लियर करा दिए जाएंगे इस पूरे बैच को आज ही इन कीजिए थैंक यू तो ये आपने सुना कि आशुतोष सर किस तरीके से किस रणनीति के साथ में अपना प्लान करने वाले हैं आप में से कुछ कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि सर एपीओ के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम है तो क्या आप जो ये हमको दो महीनों में तैयारी करवाने वाले हो तो क्या मेंस की बातों को भी ध्यान रखा जाएगा यस yes. मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि देखो कभी भी कोई भी प्रिपरेशन होती है ना और खासकर उस प्रिपरेशन के अंदर मेन्स का एंगल है तो यस yes. मेन्स की चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना होता है डील है जो करना होता है ओके okay? तो डेफिनेटली वो चीज होगी लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इसका जो वैलिडिटी है इसका जो ड्यूरेशन है वो आपके दो से ढाई महीने का रहेगा मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो मेंस का एग्जाम अगले 2025 में होता है तो आपको तब तक तो उसका सारा एक्सेस आपको अवेलेबल रहे ये नहीं होने वाला है ठीक है तो दो ढाई महीनों के अंदर जो भी पढ़ाई होगी लेकिन मॉक टेस्ट आपके पिल्डि एंगल से होंगे ठीक है मॉक टेस्ट जो होने वाले वो प्रम्स एंगल से होने पढ़ाई का एंगल जो पढ़ाते समय आपके पिल्डि की बातों को भी ऑब्जर्व कराया जाएगा और साथ ही साथ में जहां पर मेन्स के पॉइंट आ रहे हैं मेन्स के पॉइंट को भी बताया जाएगा ये दो चीजें साथ साथ में डील है जो होगी ओके हाँ जी हाँ बिल्कुल अर्चना जी ये आपके मतलब मैं दो महीना जो है एक सेफ जो उनके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ दो से आई थिंक ढाई महीने का ऐसा कुछ टाइम पीरियड है वो इसके अंदर रहेगा प्रॉबेबली ये आपके जो है यानी कि क्योंकि इतना ही टाइम मिलेगा आप लोगों को अभी मार्च चल रहा है अप्रैल और मई जून के अंदर तो इसके एग्जाम होने की संभावना है तो ये चीज है जो रहेगी टीम ने बोला है सिक्स मंथ तक अगर ऐसा बोला है तो यहाँ पे मामला मुझे थोड़ा डाउटफुल है गलत बात नहीं ऐसा नहीं होगा अर्चना जी

तो 30 अगस्त तक का बोला है तो 30 अगस्त तक छह महीने कैसे हो गए क्या वकील साहब आप भी बैठे बैठे क्या करें सर के मजे ले, ले लेते हैं 30 अगस्त तक कैसे छह महीने अब देखो 15 मार्च से मामला जो स्टार्ट हो रहा है अब उसके अकॉर्डिंग अच्छा इसको आप ऐसे काउंट कर रहे हो कि मार्च को मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब मिला के वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए फिर भी अगर है तो आई विल टॉक टू ठीक है जी मुझे जो जानकारी मिली है वो दो तीन महीनों का तीन महीनों का सेगमेंट है जो मिला है नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे बीच में आएगा वो कौन सा आता है कि इस प्रिपरेशन के दौरान हमारे साथ में हमारे हर्षा मैम भी जुड़ेंगे देखो हिंदी और इंग्लिश रमेश सर और शुक्ला सर वो आपको दोनों एंगल से राजेश के एंगल से भी पढ़ाएंगे और राजेस के जो राजस्थान का एपीओ एग्जाम उस एंगल से भी पढ़ाएंगे लेकिन साथ साथ आपके प्रैक्टिस करवाने के लिए और कुछ माइनर लॉस को स्पेसिफिकली डील करने के लिए हर्षा महाजन मैम जो है हमारे बीच में जुड़ेंगे तो जरा उनसे बात करते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं कि हर्षा मैम का यहाँ पर क्या कहना है उनकी स्ट्रेटजी को लेकर यस हेलो एवरीवन तो राजस्थान एपीओ का वैकेंसी आ गया है बहुत सालों के बाद लगभग नौ से दस सालों के बाद यह वैकेंसी आया है और इसका पर्टिकुलरली हम बैच लेकर आ रहे हैं कल से ऑफ मार्च से तो इसमें मैं क्या क्या करने वाली हूँ मैं आपको क्विकली बता देती हूँ तो कल से ही हम पॉक्सो एक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले एक इसका एक ओरिएंटेशन क्लास होगा और फिर हम इसकी रेगुलर क्लासेस करेंगे नेक्स्ट वीक से इसमें हम पॉक्सो एक्ट को पढ़ने वाले हैं पहले भी मैंने पॉक्सो एक्ट पढ़ाया है बट इस बार हम कुछ अलग वे से पॉक्सो एक्ट को पढ़ने वाले हैं और इसमें मैं आपको बहुत सारे कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगी जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि पनिशमेंट्स को कैसे लर्न करें सेक्शंस को कैसे लर्न करें तो उसको मैं आपको क्लास में ही लर्न करा के भेजूंगी ये मेरा वादा है आपसे इसी के साथ मैं आपको एस टी एस सी एक्ट भी पढ़ाने वाली हूँ उसको भी हम पूरा इसी वे से पढ़ने वाले हैं और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट रिसेंट केस लॉज हुए हैं और किस तरह से आपसे करंट अफेयर्स के भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम इसको करंट जो लीगल अपडेट चल रहा है उससे हम कनेक्ट करके हमारे मेजर लॉ से कनेक्ट करके इसको हम पढ़ने वाले हैं तो रोज़ छः बजे मेरी क्लास होगी इसमें आप लोग ज़रूर से आइएगा और जो भी पर्सनली भी मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का जो भी क्वेरी वगैरह रहता है उसको मैं पर्सनली डील करती हूँ जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है तो मैं आपको पर्सनली भी इसमें पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है मैं आपको पूरा इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी तो जल्दी ही क्लास में मिलते हैं कल छः बजे हम इसमें पॉक्सो एक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं सी यू ऑल इन द क्लास तो यहां पर आप लोगों ने जाना कि हर्षा महाजन मैन इस बैच के अंदर किस तरीके से डील है जो करने वाले हैं साथ ही साथ में मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो रविश सर है जो इंग्लिश टॉपिक को डील करने वाले हैं तो इंग्लिश टॉपिक का वही नजरिया रहेगा जो राजस्थान को लेकर राजस्थान के जुडिशरी राजस्थान का एपीओ और राजस्थान का जेल इन तीनों में लगभग हिंदी इंग्लिश का सेगमेंट एक जैसा रहता है एक मैसेज मेरे पास और है जो किसी और का नहीं है हमारी हिंदी सब्जेक्ट को डील करने वाले शुक्ला सर का तो मैं चाहूंगा आप शुक्ला सर से भी उनकी रणनीति जान लें कि इस बैच में इस एपीओ के बैच में जो कि आपके लिए फोर फोर नाइन नाइन के लिए अवेलेबल होने वाला है फोर नाइन 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 सॉरी तो वो किस तरीके से डील करेंगे हिंदी व्याकरण को टीम प्लीज हमारे शुक्ला सर के मैसेज को भी एक बार चलाइए हेलो दोस्तों नमस्कार मैं प्रभाकर प्रसाद शुक्ल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं दोस्तों एक सूचना है आपके लिए और ऐसी सूचना है जिसको सुनकर के वास्तविक रूप में आप भी मंत्र मुग्ध हो जाएंगे एपीओ का हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं राजस्थान ए की जो वैकेंसी आई है ये निश्चय कर लीजिए कि आपको आपके लिए ही आई हुई है तो उसके लिए कल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और उस बैच में मेरी एक अभिलाषा जरूर है कि आप सभी लोग सम्मिलित हों आप उसका फायदा उठाएं हिंदी व्याकरण को लेकर के आप चिंता मुक्त हो सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके अच्छे अंक प्राप्त कर सके यह प्रयास मेरा रहेगा और इस प्रयास में मैं आपका साथ चाहता हूं आपका विकास मेरा प्रयास धन्यवाद दोस्तों तो यस तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यह हमारी पूरी टीम जो है वो पूरे जोश के साथ आपको डील करने वाली है राजस्थान एपीयू का और अगेन मैं आपको सिर्फ दो बातें वापस कंफर्म करवा देता हूं कि इस बैच को एक स्टोर बैच में रखा है जनरली क्या होता है जब आप रेगुलर ज्वाइन करते हो तो आपको अन के हर चीज का एक्सेस मिलता है ईच एंड एवरी लेकिन इस वाले केस में आपको जो दूसरी रेगुलर लाइव क्लास चल रही है बी वगैरह उसका तो एक्सेस नहीं मिलेगा आपको क्या क्या एक्सेस मिलने वाला है वो भी जान लीजिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है जो नहीं रहे तो आपको एक्सेस मिलने वाला है नंबर वन जितने भी मेजर लॉ जो आपके सब्जेक्ट में है यानी कि मेजर क्रिमिनल लॉ जो है मेजर क्रिमिनल लॉ आपको इसके कंप्लीट जो मेरी खुद की रिकॉर्डिंग है जिसमें आपके सामने आईपीसी वगैरह है उनका आपको एक्सेस मिलने वाला है यानी कि जो भी रिकॉर्डेड पार्ट है वो सारा मिलेगा जैसे कि इंडियन पिनल कोड जैसे कि सीआरपीसी और जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है रैपिड नहीं रैपिड नहीं रेगुलर कोर्स का आपको रिकॉर्डेड एक्सेस है जो यहां पर मिलने वाला है ताकि आप और इसको अच्छे से स्टडी है जो कर सके <coughs> वहीं दूसरी तरफ जो भी आपके क्रिमिनल माइनर लॉस है कंप्लीट ए टू जेड क्रिमिनल माइनर लॉस इसमें से आपके चार क्रिमिनल लॉस मैं खुद पर्सनली डील कराऊंगा और ठीक वैसे ही डील कराऊंगा जैसे कि मैं एक रेगुलर कोर्स के अंदर चीजों को पढ़ाता हूं बाकी के जो अदर लॉस हैं वो आपके बीच में हमारे आशुतोष सर है जो रहेंगे और हमारे हर्षा महाजन मैन जो है वो रहने वाले हैं वो आपको डील है जो करवाने वाले हैं इसी में आपके हिंदी इंग्लिश की लाइव ये लाइव रहेगा ध्यान रखना ये जो सेगमेंट है आपके माइनर लॉ का ये लाइव क्लासेस के साथ में रहेगा लाइव क्लासेस का यहां पे मतलब है कि आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ कमेंट करने का डाउट पूछने का डायरेक्टली राइट right है जो रहने वाला है तीसरा आपके जो हिंदी वाला सेगमेंट है हिंदी और आपके इंग्लिश ये दोनों सेगमेंट इनकी जो क्लासेस है वो भी आपके क्या रहेगी लाइव है जो रहने वाली है और प्लस आपके क्या रहेंगे थ्री मॉक टेस्ट रहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से थ्री मॉक टेस्ट रहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से और वो सब कुछ कितने में है वो सब कुछ आपके सामने फोर नाइन 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 रहेगा ठीक है और अगेन आई एम इसका सिर्फ परपज इतना है कि जुडिशी के जुडिशेट भी इसको डील है जो कर सके मैं जनरली जुडिशियल सेगमेंट के बारे में ही डी चीजों को डील करता हूं तो एपीओ का सौभाग्य या फिर ऐसे कह सकते वैकेंसी आ नहीं रही थी तो हमने भी पढ़ाया नहीं लेकिन अब वैकेंसी ऑन द वे है मिलकर तैयारी करते हैं बढ़िया तरीके से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लिंकिंग का स्टाइल आप लोगों को निराश तो नहीं करूंगा निराश ना करूंगा ना ही आपको होने दूंगा अभी आपके सामने अगर आप रेगुलर तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको के बाद वापस भी होगा तो अगर आप रेगुलर तरीके से सेगमेंट को को डील करना चाहते हैं और नए कानून को पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में अनअकेडमी का ऑप्शन है जिसको आप क्या कर सकते हैं एनकैश कर सकते हैं मार्च मंथ जो कि ईयर एंड होता है तो यहाँ पर सीधी सी बात है हर कॉर्पोरेट आपको एक अच्छा बेनिफिट देता है किसी भी चीज के अंदर तो ये आपके लिए भी रहेगा तविशा जी गहरे सर आप कौन से माइनलॉग करवाने वाले तो मैं आपको स्पेसिफिकली राजस्थान के जो भी क्रिमिनल लोकल लॉस है वो मैं डील करवाऊंगा और प्लस आर्म्स एक्ट भी आपको मैं डील करवाने वाला हूं बाकी हमारे आशुतोष सर हैं आर्षा महाजन है आशा जो डील करवाएंगे ठीक है जी ओके हाँ जी सर आप जो हमारे फेवरेट हैं सर तीस अगस्त तक बोला था अगर बोला था तो होगा फिर बात करेंगे देखो यार ये वकालत का तरीका कहां से सीख के आ हो तो ना पहले बोलना कि सर आप तो हमारे फेवरेट हो। सर तीस अगस्त का था ना मतलब क्या तरीका हो ये ना ये प्रैक्टिस होती है होनी भी चाहिए कि अब सर जाएंगे क्या मैंने सर को एक मस्का मार ही दिया है चलिए अच्छी बात है अगर है तो मैं उसको चेंज वेंज नहीं करवाने वाला ना ही करने देने वाला हूं लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली देखो यार एक बात बताऊ वैलिडिटी अंडर अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया फिर तो मजे ही मजे फिर तो भगवान करे मेंस का एग्जाम भी हो जाए ठीक है जी चलो ध्यान से सुन लीजिए आपके पास में यहां पर क्या है आपके सिक्स मंथ का आपके पास में ऑप्शन रहेगा सिक्स मंथ बोले तो अगस्त तक अर्चना जी धन्यवाद थैंक यू सो मच है ना सर क्या कोर्स तीस है बिल्कुल तीस अगस्त तक है जो वैलिड है जो होगा यानी कि हमारे पास गलत कम्युनिकेशन भेजा गया वैसे अच्छी बात है पहले दो महीने का मामला पता चला सिक्स मंथ भाई सिक्स मंथ सीरियस नोट पे कह रहा हूं सिक्स मंथ पे अब आप इसको जो भी सोचोगे इतना ही कहूंगा चूकना मत बढ़िया मौका है सिक्स मंथ के अंदर तो ये चीज आज तक पिछले दो तीन साल के अंदर मैंने तो प्लेटफॉर्म पर नहीं देखी है पहली बार हो रहा है फायदा उठाओ बढ़िया तरीके से जम के उठाओ फोर नाइन 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 यार पहली सैलरी का एक बट्टा दस हिस्सा होगा ये एक बट्टा दस भी नहीं आपको पता है एपीएम की सैलरी वैल्यरी कितना है पचास साठ से ज्यादा ही है मस्ती से बढ़िया से ठीक है ना चलिए hmm. तो दैट्स ऑल और इसी के साथ में क्या करते हैं चीजों को आज खत्म करते हैं मेनली आपको मैं ये बताने वाला था कि एपीओ बैच किस तरीके से वर्कआउट होगा अच्छा एक और चीज आज से ही एक रेगुलर बैच जो कि ट्वेल्व मंथ का है, वो भी स्टार्ट है जो हो रखा है आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो आपको पता है मार्च महीना मुझे लग रहा है कैंडिडेट्स के लिए बहुत ठीक है ट्वेंटी मंथ चौबीस महीनों के जुडिशरी की प्रिपरेशन का आप क्या कर सकते हो फिफ्टी में डील कर सकते हो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ट्वेंटी फोर मंथ फिफ्टी सिक्स सेवन नाइन नाइन बहुत बढ़िया अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा कि भाई इतना कम कॉस्ट के को ऊपर एक चीज लाया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी तारीफ कर सकते हो आपकी तारीफ के स्क्रीन शॉट में अन को भेजूंगा फिर मैं उनको बताऊंगा देखो आपका प्रयास बच्चों को कितना अच्छा लगा वो खुश हो जाएंगे आगे से हो सकता है इस तरह की चीजें और आए अगेन इट इज अ काइंड ऑफ प्रेक्टिस आप यूज कर सकते हैं एपीओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तभी जी देखो आप लोगों ने अगर एक वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल समझा रखी है कौन सा वीडियो है देखो ये जो वीडियो है एपीओ वाला राजस्थान आप सिंपली सर्च करना राजस्थान एपीओ टी एन एस यू के एच एस आई आर हाँ तो इसमें एक वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है दिस वन इस वीडियो इस 33 मिनट के वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे सवालों के जवाब ऑफिशियल तरीके से दिए हैं ये एक आ, मैडम जी हैं जो किसका डील कर रहे हैं अच्छा लीगल एच के बारे में क्या नहीं है इसके अंदर पूरा एनर्जी के साथ मैं आपको समझा रखा है आपसे इतना ही कहूंगा ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा आपके मोस्ट ऑफ डाउट जो क्लियर हो जाएंगे फिर भी कोई डाउट अगर पेंडिंग रह जाए तो एट द रेटुख सर को डीएम कर देना मैं समय निकाल के आपको रिवर्ट करूंगा सो थैंक यू थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय सी यू सर आज मुझे मोबाइल फोन मिला है मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी से बहुत बढ़िया मोबाइल फोन का सदुपयोग करना नहीं तो साढ़े नौ बजे वाला लिंक जो डेली कानूनी अपडेट है वही पर देख लेना आज का मोबाइल के ऊपर ही है सर बहुत अच्छा कोर्स है सही अमाउंट है मेरा हमेशा से मन था आपसे पढ़ने का थैंक यू सो मच अर्चना जी आपका ये शब्द जो है वो मुझे भी एनर्जी देंगे और क्लास को मैं आपको यकीन दिलाता हूँ चाहे भले प्राइस कम हो आप एक, एक कतई मत सोचना कि पढ़ाने में एक परसेंट भी कोई कमी आएगी दिल और जान से पूरा एफर्ट लगाएंगे इस चीज़ के लिए ओके जी चलिए आप एनरोल होना चाहें तो ये देखो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है आप इससे एनरोल है जो हो सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आप रेगुलर कोर्स से जुड़ना चाहें तो रेगुलर कोर्स भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस प्राइस पे ठीक है मामला यानी कि मंथली एम आई हार्डली आपके टू से आ, टू थाउजेंड से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जा रहा है गुड थिंग टेक बेनिफिट ऑफ इट और हो सके तो अपने कंपनी को